नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट PC2 पर हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे। विषय है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना बनाना। अभी हमने पाठ योजना का अर्थ और उसके स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम नागरिक शास्त्र विषय का पाठ योजना बनाना सीखेंगे। पाठ योजना कक्षा कार्य की यह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को शिक्षक अपनी विषय सामग्री और अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उस सब का प्रयोग पाठ योजना में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले पाठ योजना क्रमांक, जहाँ की हम लिखेंगे 1, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम अपनी पाठ विषय को पढ़ाना जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे कि श्री रामकृष्ण आश्रम। जिस दिनांक को, हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि 28/4/20। विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, कक्षा 8वीं, कालखंड 3रा, समय अवधि 40 मिनट, औसत आयु 10 से 11 वर्ष। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में अपने देश के प्रति विश्वास की भावना को जागृत करना। दूसरा, छात्रों में अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी देना। तीसरा, सामाजिकता की भावना का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री में हम मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का चार्ट बनाएंगे, जिसके आधार से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सामान्य जानकारी। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रश्न रहेंगे आप किस देश में रहते हैं। उत्तर जो छात्रों के द्वारा हमें मिलेगा, हम भारत देश में रहते हैं। दूसरा, भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। उत्तर हमें प्राप्त होगा, भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तीसरा, आप किस जिले में रहते हैं। उत्तर प्राप्त होगा, हम जबलपुर जिले में रहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये हमें विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे प्रकरण निकलेगा, जो कि अब हम उद्देश्य कथन करेंगे कि आज हम अपने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और मौलिक अधिकार और कर्तव्य को श्यामपट्ट में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जो कि हमारे पाठ योजना का प्रमुख आधार होता है, जिसके आधार पर हम अपने विषय को पढ़ाते हैं। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए हम पाठ को 2 इकाइयों में बांटेंगे, प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई। प्रथम इकाई में हम मौलिक अधिकार और द्वितीय इकाई में मौलिक कर्तव्य। हमारी शिक्षण विधि रहेगी पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। विकास प्रश्न, पाठ के विषय से संबंधित विकास प्रश्न पूछे जाएंगे। बोध प्रश्न, प्रत्येक इकाई के समाप्ति के पश्चात बोध प्रश्न किए जाएंगे। छठवां आएगा पुनरावृत्ति के प्रश्न, पाठ को दोहराने के लिए प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों से प्राप्त करेंगे। प्रयोग कार्य आएगा, जिसमें कि कक्षा कार्य और गृह कार्य। अब हमारा विषय प्रारंभ होता है कि हम एक शिक्षक अपने विषय को किस तरीके से पढ़ाना शुरू करेगा, जो कि उसका फॉर्मेट आता है विषय वस्तु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक क्रिया में
शिक्षक के द्वारा स्वकथन किया जाता है, यानी कि व्याख्यान किया जाएगा, जो कि छात्र उस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन रहेगा, नागरिकों के विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं, जिनका उल्लेख होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यह हमारा स्वकथन पहला प्रथम इकाई का हुआ। अब हम इसी कथन से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसे कि हम विकास प्रश्न कहते हैं। मनुष्य को किसका सम्मान करना चाहिए? छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्त होगा, मनुष्य को राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आएगा स्वकथन, फिर शिक्षक के द्वारा व्याख्यान किया जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा मानव को अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। अब इसी कथन से संबंधित फिर विकास प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वकथन, शिक्षक के माध्यम से फिर स्वकथन किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी मनुष्य को अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे देश में हर जाति के लोग अपने अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबद्ध किया जा सकता है। अब हमारी प्रथम इकाई के बोध प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे, तो जिसमें पहला प्रश्न आएगा, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से अधिकार प्राप्त हैं? छात्रों के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा, स्वतंत्र का अधिकार क्या है? छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्त होंगे, मानव को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सभी नागरिक अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का पालन कर सकते हैं। ये प्रथम इकाई के बोध प्रश्न संपन्न होते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय इकाई में, जो कि शिक्षक के द्वारा स्वकथन किया जाएगा, यानी कि व्याख्यान किया जाएगा। इस व्याख्यान को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पहला है स्वकथन, संविधान के संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। उसके द्वारा नागरिकों के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अब इस कथन से संबंधित फिर हम विकास प्रश्न पूछेंगे, वर्तमान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वर्तमान के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर नेक्स्ट स्वकथन कर रहे हैं हम, भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अखंड रखें, हमारा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। इस कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसी कथन से संबंधित विकास प्रश्न है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना क्या है? छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होगा, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। स्वकथन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, हमारे सामाजिक संस्कृति का विकास करें। द्वितीय इकाई के बोध प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नागरिकों को किसका आदर करना चाहिए? छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भारत की एकता तथा संप्रभुता को बनाए रखना क्या है? भारत की एकता तथा संप्रभुता को बनाए रखने का हमारा कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न है, नागरिकों को किसमें अधिकारों का कर्तव्य का उल्लेख है? उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों को संविधान में अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख है। चौथा प्रश्न है, संविधान का पालन करना,
संविधान का पालन करना कौन सा कर्तव्य है? उत्तर प्राप्त होगा, संविधान का पालन करना मूल कर्तव्य है। पांचवा है, संविधान के संशोधन में कौन सा प्रावधान है? उत्तर प्राप्त होगा, संविधान के संशोधन में मूल कर्तव्य का नया प्रावधान जुड़ा हुआ है। अब इसके पश्चात पुनरावलोकन के प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कि हम प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के बोध प्रश्नों के उत्तरों को और प्रश्नों को दोहराया जाएगा, जो कि हमें विद्यार्थियों से उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहला है, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा अधिकार प्राप्त है? छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा प्रश्न है, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर प्राप्त होगा, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा, नागरिकों को किसका आदर करना चाहिए? नागरिकों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्र का आदर करना चाहिए। ये हमारे प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के प्रश्नों के उत्तर पुनरावलोकन में संपन्न होते हैं। दूसरा आता है नेक्स्ट हमारा प्रयोग कार्य, जो प्रयोग कार्य होता है, जो कि कक्षा कार्य और गृह कार्य होता है। शिक्षक के द्वारा जब कक्षा में कक्षा कार्य किया जाता है तो उसका उत्तर हमें विद्यार्थियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि खाली स्थान भरो। नागरिकों को खाली स्थान मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो विद्यार्थियों के द्वारा हमें उसका उत्तर प्राप्त होगा 6। 14 वर्ष, फिर दूसरा प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से काम कराना खालिस्तान करना है, उत्तर हमें प्राप्त होगा शोषण। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा खालिस्तान है, तो उत्तर हमें विद्यार्थियों से प्राप्त होगा मूल कर्तव्य। इसके पश्चात हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हम छात्र मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों के अगले पॉइंट को याद करके आना है। इसके पश्चात आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश जो होते हैं उसमें प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई के उत्तरों को लिखा जाता है। पहला उत्तर है इसमें, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से काम करना शोषण विरुद्ध अधिकार रहा है। चौथा प्रश्न है, मानव को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर द्वितीय इकाई के प्रश्नों के उत्तर हैं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, भारत की एकता तथा संप्रभुता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, नागरिकों को संविधान में अधिकार तथा कर्तव्य का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के पालन करना मूल कर्तव्य है। ये हमारा पाठ योजना कंप्लीट होती है। इसके पश्चात श्यामपट सारांश के ठीक नीचे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर लिखे जाते हैं और विषय शिक्षक या शिक्षिका के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरीके से हमारा नागरिक शिक्षण की पाठ योजना क्रमांक 1 संपन्न होती है। धन्यवाद।